Assalamu alaikum, wonderful people. Today we will discuss about a few MCQs of zoology. First MCQs hai ji, aapke paas contractile vacuole in protozoa is basically concerned with. To contractile vacuole ka kya kaam hota hai aapke paas? Option A hai aapke paas excretion. Excretion ka matlab hota hai removal of metabolic waste from the organism. Osmoregulation hota hai maintenance of वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन एन ऑर्गेनिज्म. रेस्पिरेशन होता है ब्रीदिंग प्रोसेस एक्चुअली, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कम्प्लेक्स शुगर जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है और यूटिलाइज होती है. और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दिस. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्रोटोजोआ के अंदर बेसिकली ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, गैम्यूल्स आर प्रेजेंट इन, तो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर गैम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? तो ये हैं हमारे पास ऑप्शन सी, पोरिफेरा बिलोंगिंग ऑर्गेनिजम्स. अगर हम बात करें थर्ड एमसीक्यूज की, तो थर्ड एमसीक्यूज आपके पास है स्केल्स इन रेप्टाइल्स ओरिजिनेट फ्रॉम. स्केल्स हमेशा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आप कह सकते हैं जो कि आउटर सर्फेस पर प्रेजेंट होते हैं, तो हमेशा एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं. एक्टो मींस आउटसाइड एंड डर्म मींस स्किन. अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो हम कहते हैं द कॉर्डेट्स आर डिसेक्टेड फ्रॉम. कॉर्डेट्स को कहाँ से डिसेक्ट किया जाता है? एक्चुअली दे आर डिसेक्टेड फ्रॉम देयर वेंट्रल साइड्स. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन. तो ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मोलस्क के अंदर प्रेजेंट होता है, कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स के अंदर हमारे पास क्लोज वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है. फ्रॉग हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ नेक वर्टिब्रे. 9 नेक वर्टिब्रे होते हैं. अगर नेक्स्ट हम बात करें जी, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है, इंसेक्ट्स हैव नॉट अडॉप्ट टू द इन्वायरमेंट. कौन सी इन्वायरमेंट के इंसेक्ट्स अडॉप्टेड नहीं होते? दे आर नॉट अडॉप्टेड टू लिव इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट. द ट्रू जॉ इज नॉट प्रेजेंट इन. एक ना था जो स्पीशीज हैं उनके अंदर ट्रू जॉज प्रेजेंट नहीं होते. नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज नंबर 9, सी हॉर्स इज इंक्लूडेड इन पाइसेस. फिशेज के अंदर इंक्लूड होता है. अ हाउस फ्लाई हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ लेग्स. इसके अंदर 4 नंबर ऑफ लेग्स होते हैं. ओके, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स ऑन योर आंसर शीट्स. सम स्पॉन्जेस आर फाउंड इन फ्रेश वाटर आल्सो, दैट इज ट्रू. कॉनोसाइट्स आर फाउंड इन सीलेंट रेट्स, दैट इज फॉल्स. कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट इन द सैंडी कोस्ट ऑफ कराची, ट्रू. ऑल द इंटरनल बॉडी कैविटीज आर नॉट सिलोम, ट्रू. दे कैन बी सुडोसिलोम. माउथ पार्ट्स इन आर्थ्रोपोड्स आर मॉडिफाइड अपेंडेजेस, दैट इज ट्रू. द अपेंडेजेस और द अपेरेंसेस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मैमल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, दैट इज ट्रू. द मेजर पार्ट ऑफ द कॉर्डेट बॉडी इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, दैट इज ट्रू. द इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स आर एंटेरोसिलिक, दैट इज ट्रू. जिराफ एंड गॉट आर सिमिलर इन हैविंग 7 नेक वर्टिब्रे, दैट इज ट्रू. द मैमल्स आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग मैमरी ग्लैंड, दैट इज ट्रू. पेपर 2. ओके, हेयर वी मूव विद पेपर 2. द मेन डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम अकर इन एनाफेज. ओके, ये तो आपके पास एग्जैक्ट फेजेस हैं. द प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन राइबोसोम्स. ब्लड एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन आरबीसीज. सेक्स लिंक जीन्स आर द जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली. ओके, ट्रांसक्रिप्शन इज द फिनोमेना एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है. आपके पास पहला जो ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड डीएनए, सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, थर्ड ऑप्शन है. तो नन ऑफ दीज जो है वो फोर्थ ऑप्शन है. ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए और आरएनए फ्रॉम डीएनए. इट इज एक्चुअली सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. ओके, आगे सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑफ जीन अकर इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स, ठीक है. सोडियम पोटाशियम पंप इज लोकेटेड इन, इट इज लोकेटेड इन ऑल द सेल्स, हार्ट सेल, नर्व सेल, ठीक है.
Pepsin is an enzyme responsible for breaking proteins. A pacemaker is located in heart. Follicle stimulating hormones are produced in pituitary gland. Genetic dominance is strongly associated with population distribution. क्रॉसिंग ओवर इज द फिजिकल एक्सचेंज बिटवीन क्रोमोसोम्स. कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं जी? होमोलोगस क्रोमोसोम्स. XXY इंडिविजुअल इन मैन इज फेनोटिपिकली या मेल. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिहेविंग लाइक बोथ ए एंड बी एसिड एंड बेसिस. विच ऑफ दिस कैन बी द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ? नन ऑफ द. ठीक है, ऑन्टोजनी रिप्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियन मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन. क्लियर, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट थ्रू अ मेम्ब्रेन दैट इज सेमी परमीएबल. सिकल सेल एनीमिया इज अ कंडीशन वेयर द आरबीसीज डिफ्लेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. पॉन्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ऑलमोस्ट कम्प्लीट, नन ऑफ दिस. इट इज एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लीट इकोसिस्टम. इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, स्टे मोटिवेटेड.